हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एक बार फिर आ गई हूँ मैं कहानी परछाइयों से के आखिरी भाग में। आज भी मैं आपके लिए कुछ नए और रुचिकर अभ्यास लेकर आई हूँ, तो शुरू करें। ये अभ्यास बहुत ही रोचक होने वाला है आपके लिए। आपको बस अपने स्क्रीन पर दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाना है और इनको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैटर्न में आपको कुछ एरो दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर की ओर है और दूसरा नीचे की दिशा में। इसी तरह आपको आगे बढ़ना है, यानी एक ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, और इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो गया। अब देखिए ये हमारा दूसरा पैटर्न। यहाँ एक पिंक कलर का फूल है जिसमें पहले एक पेटल यानी एक पत्ता है, फिर तीन पत्ते, फिर बन जाता है हमारा ये पूरा फूल। इसी तरह फिर आगे बढ़ता है एक पत्ता, फिर तीन पत्ते, फिर पूरा फूल। अब देखते हैं अगला पैटर्न। यहाँ एक वर्ग में चार त्रिकोण हैं, जिनमें एक त्रिकोण नीले रंग का है और ये त्रिकोण जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है अपनी जगह बदलता जा रहा है और एक नया पैटर्न बनाता जा रहा है। जैसे जैसे नया पैटर्न बनता है त्रिकोण भी अपनी जगह बदलता जाएगा और इस तरह से ये पैटर्न पूरा कर सकते हैं आप। बहुत आसान है बच्चों। और अब देखिए इस पैटर्न को। यहाँ कितने सारे ओवल्स हैं यानी अंडाकार हैं, और पहले ओवल में एक छोटा सा तीर है जो ऊपर की ओर है और दूसरे अंडाकार में नीचे की ओर, और इसी तरह जब ये पैटर्न आगे बढ़ता है तो दो तीर ऊपर फिर दो नीचे हो जाते हैं। इसी तरह फिर ये पैटर्न आगे बढ़ता है तो तीन तीर ऊपर और फिर तीन तीर नीचे की ओर, इसी तरह से बन जाता है हमारा ओवल्स का ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न। और अब चलते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर, जो हमारी अल्फाबेट्स यानी कि ABCD से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। पहले है AB, फिर आता है BC, फिर CD, फिर आगे आगे क्या होगा ये आपको सोचना है। ठीक है, ये देखिए हमारा अगला पैटर्न, और ये हमारा पैटर्न जुड़ा हुआ है मिरर इमेज से, यानी जो हमें शीशे में दिखाई देता है। मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब। सबसे पहले लेटर है A, और A की मिरर इमेज होगी इस तरह से, यानी बिल्कुल A जैसी। और अगला है B, जिसकी मिरर इमेज थोड़ी अलग होगी जिस तरह से दिखाई गई है, और फिर C की मिरर इमेज इस तरह से बनेगी, और फिर उसके बाद D की मिरर इमेज इस तरह से। अगला लेटर है E, और E की मिरर इमेज यानी उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है, ये देखिए। और E के बाद कौन सा लेटर आएगा और उसकी मिरर इमेज कैसी होगी ये आपको सोचना है और फिर लिखना है, और आप चाहें तो शीशे में भी घर में ट्राई कर सकते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ आ गए हैं अपने आखिरी पैटर्न की ओर। जरा ध्यान से देखो, यहाँ कुछ रंगीन ईंटें नजर आ रही हैं आपको। एक पीली है और दूसरी है लाल रंग की, और ये किस तरह से जुड़ती जा रही हैं आपस में आपको ध्यान से देखना है। इसी तरह ही आप इस पूरे पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये ईंटों वाला जो पैटर्न है इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, इसे पूरा कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, इन खूबसूरत पैटर्न्स के बाद क्यों ना हम एक रोचक और मजेदार अभ्यास करें। अब कीकू के साथ मौज मस्ती करने का समय आ गया है। कीकू कौन है भाई? कीकू एक खरगोश है जिसे कूदना बहुत पसंद है। उसके सामने 1 से 30 नंबर वाली 30 टाइलें हैं। अब कीकू पहली टाइल से वो चौथी टाइल पर कूदता है, लेकिन वो ये भूल गया कि उसके बाद आगे कहाँ कूदना है। तो आइए अगली टाइल पर एक गोला बनाकर कीकू की मदद करें। क्या आप बता सकते हैं कि कीकू आगे कहाँ कूदेगा? 1 से 4 और फिर हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। कीकू 4 से 7वीं टाइल पर कूदेगा। कैसे? कीकू 2 टाइल्स को छोड़कर कूद रहा है, इसलिए।
अब 7 के बाद कीकू कहाँ जाएगा सोचिए। बिल्कुल सही, कीकू 10 पर जंप करेगा। फिर से वो कीकू पहले वाला पैटर्न फॉलो करेगा। इसी तरह जब 10 पर कीकू आ जाएगा उसके बाद किस पर आएगा आप सोचिए। आसानी से बता सकते हैं, कीकू हर बार दो दो टाइल्स को ही छोड़ रहा है, उनको छोड़कर ही कूद रहा है। इसी तरह से आप बाकी अभ्यास भी पूरा कर सकते हैं बच्चों। ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी उंगलियों का सहारा ले सकते हैं, उंगलियों से गिनकर आगे कीकू की मदद कर सकते हैं। अरे ये क्या, कीकू की मम्मी भी छठी टाइल पर कूद गई। वो पहली टाइल से छठी टाइल तक छलांग लगाती है और फिर छठी से 11वीं पर, यानी कीकू की मम्मी ने 4 टाइल्स को छोड़कर छलांग लगाई है। इसी तरह कीकू की मम्मी 11 के बाद किस टाइल पर कूदेंगी? 16 पर। मुझे मालूम है इसे आप पूरी आसानी से कर सकते हैं। और कीकू की मम्मी तो भाई लंबी छलांग मार सकती है ना, क्योंकि कीकू तो छोटा है ना, इसलिए। अब आपको अगली टाइल्स पर क्रॉस लगाकर कीकू की मम्मी की मदद करनी होगी बच्चों। मैं जानती हूँ आप बच्चे बहुत अच्छा काम करोगे, थोड़ी मदद मैं भी कर देती हूँ आपकी। अब कीकू की मम्मी 16 पर कूदेंगी। कीकू और उसकी मम्मी के कूदने की दौड़ में आपने मजेदार तरीके से उनकी मदद की और खूब इंजॉय भी किया। तो बच्चों हम इस अध्याय के अंतिम अभ्यास तक पहुंच चुके हैं। ये वाली एक्सरसाइज पैटर्न को आगे बढ़ाने वाली तो है, पर इस बार ना तो ABCD है और ना ही कोई डिजाइन है। ये है संख्या पैटर्न, यानी नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न को ध्यान से देखो। पहला है 5, 10, 15, फिर आएगा 20, और 20 के बाद 25, और इसी तरह से आप आगे भी इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा कि हमने हर बार 5 नंबर को जोड़ा और आगे इसी तरह 5-5 जोड़ते चले जाएंगे। यानी 5 में जोड़ा 5 तो हो गया 10, और 10 में जोड़ा 5 तो हो गया 15, और 15 में 5 तो 20। इसी तरह आप आगे भी जोड़ते चले जाइए और इसे पूरा कर लीजिए। जिस तरह हमने पिछले पैटर्न में 5 अंक जोड़े थे, इसी तरह इस पैटर्न में 7 जोड़ने हैं, और फिर ये पैटर्न भी आगे बढ़ता रहेगा। पहले 7 इसमें जोड़े, ये बन गई 14, और 14 में फिर 7 जोड़े तो ये हो गए 21, और 21 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये बन जाए 28, यानी फिर से हम जोड़ेंगे इसमें 7, और इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। और अब आया ये पैटर्न जिसमें हमें यहाँ 6 अंक जोड़ने हैं, तो चलिए शुरू करें। पहले आया 1, और फिर इसमें जोड़े हमने 6, तो ये हो गए 7, और 7 में जोड़े 6, तो ये हो गए 13। यानी हर बार हमें कुल नंबर में 6 जोड़ते जाना है, और फिर 13 के बाद क्या आएगा, यानी 13 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा, बिल्कुल सही, 19। इसी तरह आप खाली जगहों पर लिखते जाइए, 6 जोड़ते जाइए। तो बच्चों थी ना ये सचमुच मजेदार पैटर्न्स की कहानी। इस तरह के पैटर्न्स का अभ्यास करने से हमारा माइंड शार्प होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी एक्सरसाइज खुद करेंगे और दोस्तों को भी समझाएंगे। आपसे मैं जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।